इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी सिमेट्री है, जो बॉडी प्लान है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, वो वेरी करती है। इस वजह से उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो देखिए जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की, सबसे पहले मैं आपको बताऊं नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अभी मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉर्डेटा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो वो सभी ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नोटोकॉर्ड एब्सेंट, तो उनको हमने कौन सी कैटेगरी में डाल दिया, उनको हमने डाला है नॉन कॉर्डेटा में। लेकिन जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो सभी ऑर्गेनिजम्स कॉर्डेटा की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे देयर आर अ लॉट मेनी फाइलम्स जो कि नॉन कॉर्डेटा के अंदर आएंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले पॉलीफेरा, ठीक है। पॉलीफेरा के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आने वाला फाइलम है नॉन कॉर्डेटा के अंदर, तो वो क्या सबसे ज्यादा डेवलप्ड होगा? नहीं। तो सबसे जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो बिगिनिंग होती है सेल्स के डेवलपमेंट की, वो पॉलीफेरा से स्टार्ट होगी। इसके इसको कॉमनली स्पंजेस भी कहा जाता है, तो आप सारे स्पंजेस के बारे में इसी फाइलम में पढ़ोगे। तो ये सबसे बिगिनिंग में आता है, दैट मीन्स इसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेल्यूलर लेवल होगा, राइट। तो पॉलीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा आता है, तो सिलेंट्रेटा में आप देखोगे इसको निडेरिया भी कहा जाता है, ठीक है। निडेरिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको निडोब्लास्ट कहा जाता है, वो स्टिंगिंग सेल्स की तरह काम करेंगे और प्रेडेटर से इन ऑर्गेनिज्म को बचाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इनको हमने निडेरिया इसलिए बोला क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको निडोब्लास्ट कहते हैं, राइट। और क्या इनका लेवल भी सेलुलर रहेगा? नहीं, यहां से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा, अब ये जो टीनोफोरा है इसमें जितने भी इंडिविजुअल जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो भी मेराइन होंगे, वो भी खारे पानी के अंदर सी वाटर के अंदर रहते हैं, समवॉट वॉलनट उनकी शेप होती है, तो सी वॉलनट भी उनको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सी वॉलनट, ठीक है। इनके पास कुछ सिलिएटेड टेंटिकल्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में इनकी मदद करेंगे, राइट। और इनका भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। देन कम्स प्लेटी हेलमिंथस। जो प्लेटी है उसका मतलब होता है फ्लैट, हेलमिंथस का मतलब होता है वॉर्म। तो प्लेटी हेलमिंथस में हम किसके बारे में बात करेंगे? फ्लैट वॉर्म के बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज द फाइलम फ्रॉम वेयर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो सिमेट्री है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटी हेलमिंथस है जिसमें ऑर्गन लेवल होगा और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, जबकि सबसे पहले वाला सेलुलर लेवल था, एसिमेट्रिकल था। उसके बाद सिलेंट्रेटा और जो टीनोफोरा है दोनों रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लेटी हेलमिंथस के बाद हम बात करते हैं एस्की हेलमिंथस की। इसके अंदर कौन आता है? राउंड वर्म्स। इनका जब क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो कैसे मिलेगा आपको? राउंड मिलेगा, इसीलिए इनका नाम क्या होता है? राउंड वर्म्स होता है। इसके बाद आप बात करोगे एनिलिड्स की। एनिलिड्स के अंदर आप अर्थवर्म का एग्जांपल याद कर सकते हो, एन्यूल यानी कि सर्कुलर रिंग्स प्रेजेंट होती है इनके अंदर, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया अर्थवर्म का, ये जो एग्जांपल मैं ले रही हूँ आपको याद रहेगा, स्पॉन्जेस सुना हुआ, अर्थवर्म सुना हुआ, ठीक है। देन कम्स आर्थ्रोपोडा। ये जो आर्थ्रोपोडा है ये लार्जेस्ट फाइलम होता है। आर्थ्रोपोडा क्या होगा? लार्जेस्ट फाइलम होगा और इस फाइलम में सभी इंसेक्ट आते हैं। इस फाइलम में सभी इंसेक्ट्स आते हैं, आप कॉकरोच का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। देन कम्स मोलुस्का। मोलुस्का को सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास शेल प्रेजेंट होते हैं, एंड सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव शेल, ठीक है। मोलुस्का के बाद हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा, देखो भाई इकाइनो का मतलब है स्पाइनी, डर्मल का मतलब है स्किन, तो इनकी स्पाइनी बॉडी होती है, स्पाइनी स्किन होती है, और इसको नाम दिया गया इकाइनोडर्मेटा का, राइट। ये भी मेराइन होती है। इसमें स्टार फिश का भी एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, स्टार फिश बहुत बार सुना हुआ है आपने, ठीक है। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंटली हेमिकॉर्डेटा। देखो जो हेमिकॉर्डेटा है इसमें कॉर्डेटा क्यों आ रहा है? हेमी भी लिखा हुआ है, कॉर्डेटा भी लिखा हुआ है, क्योंकि इनके पास जो फीचर्स है, मोस्ट ऑफ फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा आर सिमिलर टू द नॉन कॉर्डेट्स, लेकिन कुछ
टीचर्स ऐसे हैं जो कि कॉर्डेटा से भी मिलते जुलते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो हामी कॉर्डेटा रखा हुआ है, राइट। जब हम कॉर्डेट्स के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया था कि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज। वो जो सब कैटेगरीज है वो है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, देन सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सो बेसिकली ये जो थ्री कैटेगरीज कॉर्डेटा के अंदर आती है ये किस बेसिस पर डिवाइड की हुई है, तो देखिए यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, यानी कि जब ये लार्वा एडल्ट में डेवलप करेगा तो ये जो इसके टेल का जो डेवलप मतलब जो नोटोकॉर्ड टेल में प्रेजेंट थी वो परसिस्ट नहीं करेगी, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा ओनली लार्वल टेल हैज नोटोकॉर्ड, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बता दूं एक टर्म है जिसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इसका मतलब क्या होता है, लार्वे की जो डेवलपमेंट होती है इनटू द एडल्ट, द डेवलपमेंट ऑफ लार्वे इनटू द एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये जो डेवलपमेंट हो रही है किसी भी लार्वे की या एग की वो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है, तो ये प्रोग्रेसिव होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो अडल्ट होते हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे लार्वे वाले फीचर्स को, तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अडल्ट रिप्रेजेंट करते हैं लार्वल कैरेक्टर्स को तो उसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस सॉरी। तो प्रोग्रेसिव कब था, जब लार्वा आगे चल के डेवलप करेगा और अडल्ट के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा वो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। लेकिन अगर अडल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है लार्वल कैरेक्टर्स को तो ये उल्टा हो रहा है ना, ऑपोजिट हो रहा है, उसको हम कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, राइट। तो मैंने यहाँ पर बोला सिर्फ लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ये यूरोकॉर्डेटा है। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होगा, हेड से लेकर टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, वो भी थ्रू आउट द लाइफ, वो भी थ्रू आउट द लाइफ वो परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ, राइट। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें क्या होगा, जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है इन अडल्ट, तो इसीलिए इनको वर्टिब्रेटा कहा जाता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो 11th वालों से भी पूछ लिया जाता है वही सेम क्वेश्चन रीजनिंग एंड अजर्शन की फॉर्म में नीट एस्पिरेंट से पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं नोटोकॉर्ड तो सबके पास है ना, तो मतलब ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सभी कॉर्डेटा के पास वर्टिब्रल कॉलम है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब हम फर्दर डिविजन की बात करेंगे तो ये जो वर्टिब्रेटा है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है आगे, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ हमने इनको दो कैटेगरीज में डाला हुआ है, एगिनाथा एंड नाथोस्टोमेटा। तो जिनके पास जॉ नहीं है यानी कि जो जॉलेस है वो एगिनाथा की कैटेगरी में आएंगे, और जिनके पास जॉ प्रेजेंट होता है वो नाथोस्टोमा या स्टोमेटा, नाथोस्टोमेटा, राइट। तो जॉलेस फिशेस किसको कहते हैं, यहाँ पर एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। सर्क्यूलर एंड सकिंग माउथ होता है इनके पास, सर्क्यूलर एंड सकिंग माउथ, ठीक है। सर्क्यूलर सक्टोरियल भी लिखा होगा, सक करने वाला जिसको हम सकिंग कहते हैं, माउथ होता है इनके पास, तो इनके पास जॉ नहीं है, दीज आर जॉलेस फिशेस, राइट। लेकिन जब नाथोस्टोमेटा की बात करते हैं इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द कैटेगरीज, वो कौन कौन सी हैं, इसको हमने डिवाइड किया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। भाई ये जॉ के बेसिस पर था प्रेजेंस और एब्सेंस, इसमें जॉ नहीं था तो जॉलेस, इनके पास जॉ होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इनकी जो लोकोमोशन है जो मूवमेंट है उसके बेसिस पर, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से दो कैटेगरीज आ गए नेथोस्टोमेटा के अंदर। यहाँ पर आप पढ़ोगे फिशेस यानी कि पाइसेस के बारे में और टेट्रापॉड्स के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया पाइसेस और यहाँ पर आते हैं टेट्रापॉड्स। तो जो टेट्रापॉड्स है इनके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं एज द अपेंडेजेस, और यहाँ पर फिन्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस के पास। इसके अलावा अगर मैं लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो सबके पास अलग अलग अपेंडेजेस होते हैं, लाइक आर्थ्रोपोडा में जॉइंट अपेंडेजेस होंगे जिसकी मदद से वो वॉक कर पाएंगे, लोकोमोशन कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे जो एनिलिड्स होते हैं उनके पास भी मतलब कुछ लेटरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है जिसको पैरापोडिया कहा जाता है, राइट।
तो इनके पास क्या प्रेजेंट है, फिन्स प्रेजेंट है, इनके पास लिम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी दो कैटेगरीज आती है पाइसेस में, ये कार्टिलेजिनियस फिशेज हो सकती है जिनको कॉन्ड्रोचिट्स कहा जाता है, या फिर ये बोनी फिशेज हो सकती है जिनको ऑस्ट्रोचिट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनियस हो सकती है, कार्टिलेजिनियस फिशेज एंड बोनी फिशेज, कॉन्ड्रोचिट्स एंड ऑस्ट्रोचिट्स। अब यहाँ पर टेट्रापॉड के बारे में जब आप बात करोगे तो इसके अंदर आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स जिसको एप्स कहते हैं एंड मैमल्स। सो दीज आर द कैटेगरीज दैट हैव बीन पुट अंडर नाथोस्टोमेटा, उसके अंदर पाइसेस और टेट्रापॉड है। टेट्रापॉड में हमने ये सारी जो भी कैटेगरीज है वो डिस्कस किया, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं अलग से आपको नॉन कॉर्डेटा समझाऊंगी एंड देन कॉर्डेटा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं जो नीट के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसी के साथ साथ जैसे सिफेलाइजेशन है, जो हेड की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जैसे स्पॉन्जेस है जो सबसे पहले यहाँ पर आए, इनके अंदर प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होती क्योंकि सेल एग्रीगेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो पूरा ब्रेन की फॉर्मेशन होती है या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है, वो सभी चीजें किसमें आती है, सिफेलाइजेशन में। जो ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर प्रॉपर ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि जब आप आर्थ्रोपॉड तक आते हो तो आप देखोगे गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, वो भी वेंट्रल सरफेस यानी कि बैली सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हायर ऑर्गेनिजम्स आएंगे तब उनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपर डेवलप्ड होगा, फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर आके ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, राइट। सो यहां तक आप अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहे डाउटफुल है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।